कि चाहने वालों के लिए भी धूम्रपान पड़ेगा महंगा। All characters, activities, locations, names, situations and persons, living or dead, portrayed or used in this film are fictitious. Any resemblance or similarity to reality is pure coincidence and unintentional. Even though certain incidents may be inspired by media reports, the film depicts nothing more than a fictionalized account of the same for dramatization of a fictional story. The film, its producers, director, artist, writers, or any other person associated with the film do not intend to offend, outrage, insult, damage, hurt the sentiments or feelings of any person or community. Further, nothing in the film is intended to malign or defame any person, community, class of persons, religion, region, state, or country in any way. Fitness.
100 meters to 600 meters. 200 meters! 200 meters! 200 meters!
मैंने रिपोर्ट पढ़ लिया। तो उसे क्या हुआ? देखो बेटा, there are no targets in life. असली जंग यहाँ है। You can't lose it. You can't give up. कल कोई टारगेट नहीं है। Tomorrow is another day. कल कोई एजेंडा नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं। Okay. Then let's kill the fly with this world tomorrow. करने का अंदाज पसंद नहीं था, तो फेयरवेल पार्टी वाले दिन मैंने उसे पूल पे बुलाया और तब तक पानी में डुबा के रखा जब तक उसकी फट नहीं गई। जानते हो मैं ऐसे ही आगे बढ़ाऊं जिंदगी में, लोगों को डुबा के। सब जानता हूं, ब्लड ग्रुप स्कैन, रिवर्स स्कोरिंग, सब जानता हूं। वैसे ये जेम्स बॉन्ड बन के तुम साबित क्या करने जा रहे थे कि ये ब्लड रिपोर्ट में यूरेनियम है? रिवर्स बोरिंग की स्टडिया का नाम है ये कोई नहीं जानता। अमोनियम नाइट्रेट, क्रोमियम, ये केमिकल जहरीले हैं, इनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंजेक्शन लगा के सब बेहोशी में जिए जा रहे हैं। सैटरडे संडे को बीवी के साथ डिनर या गर्लफ्रेंड के साथ डिस्को में चिकनी चमेली, दैट इज लाइफ फॉर देम। सही कहूं तो इस जहर की उन लोगों को आदत सी पड़ गई है, दैट इज गुड फॉर माई बिजनेस, एंड नाउ यू नो इट। तुम्हें लगता है तुम सच को दबा दोगे? कोई ना कोई सच को जरूर सामने आएगा। सच छुपेगा नहीं।
सत फंड मिल गए जी आपके, कभी लेट नहीं होते आप। ये कोशिश तो यही कि कभी आपको शिकायत का मौका ना मिले। और ये उन साहब को जाकर दे देना, कहना मैंने भेजा है। सर सामने ये चिट्ठी ली, तलब की राह में कुछ पाने से पहले कुछ खोना पड़ता है। बड़े सौदे नजर में हो तो छोटा होना पड़ता है। वाह जी वाह, क्या शायरी है जी। कौन है जी ये गालिब का फुफड़? मोटिवेशनल स्पीकर है, अपनी किताब के लिए फंडिंग ढूंढ रहा है। पर पीछे मत मुड़ के देखिए जी, पीछे पड़ जाएगा और फिर चिट्ठियां बेच के पकाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वुड नाउ लाइक टू कॉल अपॉन द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ आवर स्टेट Ms. Bridge to facilitate Mr. Paddy F. Sharma, the Managing Director of PPFPL, for his decade-long commitment to sustainable business practices. Ladies and gentlemen, the Global 10 Award goes to Mr. Paddy F. Sharma. Thank you, everyone. Dirty criminal? Sustainable award, huh? Anirudh Dutta ko agwa karke ye award le rahe ho? Anirudh ke paas aapka sara kora chitta tha, isliye usko chhod diya hai na? Is award ke piche kya game khel rahe ho? Sabko pata hai. I will expose you. I will expose all of you. Leave me. Leave me. Full session where angels fear to tread. Kaash Shakespeare rehta tha. Aaj hum dekhe. Forbes ka poster boy hum. Ya turnover ka number game. I don't understand. I understand only golf and jazz. So let the jazz begin. Enjoy the evening. कैसे किया था? जून स्कूल 1982 की फेयरवेल पार्टी, दुक्की को पूल में ढकेला था शाम के 7 बजे। चलिए तो उसे या डूब गया था। आपकी कॉलर पे कीचड़ लगी है, गाड़ी चला। हमारे सामने ना लोगों की जबानें लड़खड़ाने लगती हैं, पसीना छूट जाता है। अपना ये कॉन्फिडेंस, ये एटीट्यूड ना किटी पार्टी में दिखाइएगा, या नहीं समझ गए आप? I'm
चालू करो, केमिकल्स को जमीन में डाल दो। इसको ले जाकर नहर में डाल दो और ये सब खेत में डाल दो। सिक्योरिटी, ये क्या मशीन उड़ रही है, ऊपर देखो। सर पर भी, अबे घाव नहीं खाऊंगा, वो उंगली के 10 पैर में और 10 हाथ में, कान कान दोनों ऐसे। चल इस पर ठप्पा लगा और इस पर चद्दर उड़ा दे यार। ओए चेती हो चद्दर लगे, चलो चलो चंगी तरह कवर करो बॉडी। तुसी भी ना कमाल करते हो हैं। गर्लफ्रेंड ने आपके गाल पे किचड़ का फेंका, आपने तो बॉयफ्रेंड को ही क्लीन बोल्ड कर दिया जी। मीटिंग में फोन करता हूँ। चंगा। मुंह बंद कर, बिना आवाज कितने खा, 10 दांत लेके पैदा हुई सी तू। सारे कहते सी ताड़ी कर चुड़ैल पैदा हो गई है। मैं कह रहा ना तो मेरा अपना खून है, पर तू तो पूरी पिसाच नहीं निकली, खा गई अपने प्यो नू, तो तेरी फेर भी भूख नहीं मिटी। तू अपने प्यो नू खा गई, तू अपने प्यो नू मारे, तू मैनू भी मारना चाहती। ये वाली बॉडी है,
Excuse me, can I have a light? Thank you. तुम्हारा यहाँ पर होना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है। It's a well thought out plan. दोनों स्कूल की बात कैसे जानता? रूकी, आपका बचपन का साथी, आजकल बिहार में खेती करता है। आपकी बेटी, इताली, EDM, उसका नेशनल एंथम है। वो तो है लारे। I'm a writer. I believe in one shot. You like a cigar? Thanks. ये मेरी किताब है, देख लें। If you approve, तो इसका लॉन्च आप फंड करें। क्यों? समुद्र के किनारे घर हो तो तूफान से होशियार रहना चाहिए। ये भी आप जरा देख लो। आप तो सबकी फंडिंग करते हैं। लाइफ फाउंटेन लैब के लिए 5,000 करोड़। मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत छोटा है। लाइफ फाउंटेन लैब के लिए 2 बेनामी अकाउंट करवाए थे आप। जीतू का इस्तेमाल किया था। एक और गुजारिश, इस बुक की रिलीज आप ही के हाथों होनी चाहिए। मीडिया इज हंग्री फॉर अ स्कूप। लेडीज एंड जेंटलमैन, परीक्षित वालिया अब हमें उनकी किताब वन शॉट के बारे में कुछ बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। जंगल में सिर्फ एक शेर होता है और शहर में सिर्फ एक खलीफा, बाकी जो होते हैं वो सिर्फ होते हैं। इसीलिए सिर्फ होना काफी नहीं है, ऐसे बनो कि दोबारा होने की जरूरत ना पड़े। इट्स ऑल अबाउट वन शॉट। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी लेकिन के बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तुम्हारे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। Is the state witnessing terrorism again? So far, no RDX has been found. But why was the factory evacuated? We are surrounded by so many questions, and the nation wants to know the answer. लेकिन कौन आतंकी ग्रुप है अभी तक कोई हमें खबर आई नहीं है। लेकिन ये मेरा वादा है आप लोगों से कि ये दिवाली तक जो भी मुजरिम है वो आपके सामने होगा। सत श्री अकाल। मुझे एक हफ्ते में मेरे इंश्योरेंस के पैसे चाहिए। 6,000 करोड़ की कंपनी है मेरी।
मुझे उससे ज्यादा चाहिए, समझे आप? देखो जी, हो जाना है, ब्लास्ट हुआ है तो उसे आतंकवादी मामला माना जाएगा, केस जाना सेंटर में। देखो जी, सेंटर और स्टेट की बकवास नहीं सुननी है, जो मेरे पैसे लेंगे, क्या करोगे, कब करोगे ये बताओ। और हाँ, ये सब कहानी है ना, प्रेस के लिए छोड़ना। अच्छा, वो साथ होगा तो गल कर दे, बैठो बोलो। कोड़े की कहानी सुनिए, पेशेंस रख लो, सुन लो। कोड़े एक जैसे नहीं होते, एक रेस का कोड़ा होता है, एक शादी का कोड़ा होता है, और एक होता है गवर्नमेंट का कोड़ा, जिसे हम इस वक्त शादी के कोड़े की तरह इस्तेमाल करेंगे। जितनी शराई बजाएंगे उतना नाचेगा। एनआईए ऑफिसर अर्जुन मिश्रा, पहले तो बंद करनी है, ओपन शट केस है जी आपका, आपके पैसे आपके हाथ में, टेंशन होगी क्यों जी? जिस भी घोड़े को दौड़ाना है ना, दौड़ा लो, नहीं तो अगले इलेक्शन में पोस्टर पे किसी और की फोटो होगी और पैसे भी किसी और के अकाउंट में, समझी? बहुत ठंड पर होते हो जी आप, ठंड रखो, कहा ना हो जाएगा। आओ जी, की सेवा करिए, चाय के कॉफी? मणिपुर कारगिल अनंतनाग है, बड़ी मिट्टियां चाटी हैं आपने, अब एसी की ठंडी हवाएं खानी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, फैमिली के लिए थोड़ा बहुत, ऑफ द फैमिली, फॉर द फैमिली, बाय द फैमिली, साड़ी तो जी डेमोक्रेसी यही है, आपको तो पता ही होना है। करेक्ट है जी। केस बंद करो और धूम धड़क्के से दिवाली मनाओ विद योर फैमिली। हफ्ते भर में बंद हो जाएगा केस जी। बढ़िया, बस वो क्या है, कुछ एविडेंस की प्रॉब्लम है, बट मैं इन्फॉर्मेशन जुटा रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन है ना जी, तो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को दो, मैंने कहानी सुनाने की लोड़ नहीं। आपको यहाँ केस बंद करने को बुलाया, चुपचाप बिना वॉइस मेल के ये केस पैम में डाल दो जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। इतना पैसा अंदर करके रखे हैं साले, एक कुर्सी रख देते बैठने के लिए। तो आईपीएस का क्या स्कोर चल रहा है? 2 करोड़। अरे वाह, तेरी तो ऐश है। नहीं सर, हम ऐसा नहीं सोचते, हम शादी रेट कार्ड देखकर नहीं, लड़की देखकर करेंगे। और एक्चुअली में सर, वी नीड दैट चेंज इन दिस कंट्री एंड वी कैन ब्रिंग दैट चेंज। चेंज 500 का चेंज है तेरे पास? यस सर। एक काम कर, 500 पकड़, एक सिगरेट पैकेट ले, तेरी चेंज का धुआं उड़ाते हो। पूरा सिस्टम नहीं चेंज होगा, कोई चेंज नहीं आने वाला, सारे सब कमीने बैठे हैं। सर ये रहा चेंज। हाय, आई एम माया और मैं जर्नलिस्ट हूँ और मेरे पास कुछ क्लासिफाइड Hi, I'm Maya. I'm a journalist who and mere paas kuch classified information hai that I would like to which I would like to share with you. I'm sorry ki main aapke ghar mein is tarah aa gayi, but ye aapke kaam aayega. Maya, such a nice name, Maya. सॉरी, मुझे इस तरह आना नहीं चाहिए था, बट मुझे भी नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं भी यही हूँ।
सकते बट आई हैव दिस रिसर्च एंड आई एम श्योर ये आपको हेल्प करेगा। यानी वाह वाह मार्केट वहां पे। थैंक यू। ये जो व्हाइट कॉलर कंपनी व्हाइल यू एडेड एक काम कीजिए ना ये बॉटल में यहां पे रख दीजिए राइट साइड कोने में। थैंक यू। ये जो व्हाइट कॉलर कंपनी के पीछे की दलदल है वो आपको खुद दिख जाएगी एंड दैट इज पीपीएफपीएल। अरे माया तुम यहाँ पे कब से हो? लॉन्ग इनफ टू नो कि ये शहर जितना जमीन के ऊपर है ना उतना ही जमीन के नीचे है। ओह नहीं एक्चुअली मुझे पता लगाना था कि यहाँ पे छोले कुलचे अच्छे कहाँ मिलते। हेलो दुकान प्लीज गो थ्रू दैट रिसर्च। सुनिए जी मैडम छोले कुलचे ना डॉल्फिन चौक में अच्छे मिलते हैं जी सर आपको बता देना। जी बोलो मास्टर क्या हाल है? बस चल रहा है तुम सुनाओ। अपना भी कुछ ऐसे ही चल रहा है यार। अच्छा इस बार दिवाली पर आ रहे हो ना या मम्मी को पटाओ पटाओ? नहीं नहीं पक्का आ रहा हूँ मैं। तू है ना वो रॉकेट अनार चक्री और दीपिका बॉम्ब कटरीना बॉम्ब प्रियंका बॉम्ब इन सब के बजट सैंक्शन करा ले साथ मिलके फोड़ेंगे ठीक है? कभी कभी मम्मी को भी याद कर लिया करो। वो तो न्यूक्लियर बॉम्ब है सर। फुल प्रूफ ट्रिप सिस्टम है सर। जर्मन से टीम आई थी रिएक्टर जो है पूरी तरह से सर्विलांस में था। आप क्या करते हैं? जी मैं यहाँ का मुख्यता 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 ओनली सोर्स टू द हेड कमांडर। अच्छा कितनी पुरानी है प्लांट? 10 साल। और आप? 10 साल। कुछ खास एक्सीडेंट? आग लगना? नथिंग सर। फायर सेफ्ट? सर पूरे प्लांट में फिक्स्ड फायर इंस्टॉलेशन है फायर वाटर पंप्स के साथ। पर जब अलार्म बजा पता नहीं ये सिस्टम फेल क्यों हो गया। किसकी ड्यूटी थी उस वक्त रिएक्टर के पास? बस ये बाकी एम्प्लॉय लिस्ट ही है सर। सर कुछ दिनों पहले उसने 5 दिनों की छुट्टी ली है कैंसर ट्रीटमेंट ली। उसकी वाइफ को कैंसर। रिएक्टर के अंदर केमिकल्स के अंदर हाईली कॉन्फिडेंशियल है सर। बॉस जी ग्रैंडमास रेसिपी जैसा कवर तक साथ में लेके जाएंगे किसी को बताएंगे। अमेरिका के सारे रेस्टोरेंट ऐसी है सीक्रेट रेसिपी घटिया खाना लेकिन अच्छा है। नाइस बी टॉक करते हैं सीक्रेट रेसिपी। माया पे जरा नजर रखना। यस सर सीन माय सर सर सस्पिशन लोगों का यही लगा रहता है। तो मार्टिन दिवस कल था ये आज तक देखो इनका मनवा चल रहा है। कौन शहीद हो गया? सर 17 नवंबर 1928 वो लाला लाजपत राय को मार दिया था ना साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट में इसका बदला लिया भगत सिंह ने। सर जब हम भगत सिंह को पढ़ते हैं ना तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भैरव को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। कितना सही कहा था उन्होंने भैरव को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। जाना तो सीधा है ना इधर। अरे सर आप वापस आ गए कुछ भूल गए क्या? मैं भूला नहीं कुछ और याद आ गया। याद आता रहेगा मैं भी आता रहूंगा। ये भगत सिंह को कब से जानते हो? सर पिछले 3 सालों से पहले पैकेजिंग यूनिट में था 5 दिनों पहले तो मूव। हाँ किसने किया? मैंने किया। उसके क्वालिफिकेशन देखी थी गोल्ड मेडलिस्ट था पंजाबी यूनिवर्सिटी का। एक मिनट भगत सिंह की फाइल भेजना। और केमिकल्स के बारे में सब कुछ जानता था बहुत दिनों से पीछे पड़ा हुआ था। एक मिनट सर ये सर सर्टिफिकेट। हाँ तो सर एक्सपर्ट बंदा था तो मैंने सोचा चलो प्रमोट कर देते। बिल्कुल आपको बैक चेक करना। बैक क्यों? बैक क्यों? सर आप खामखा मुझ पर शक कर रहे हैं। सर देखिए मैं बिल्कुल टीम कैरेक्टर वाला आदमी। आपका कैरेक्टर आपकी आंखों में अटैच है। अभी अभी उड़ के आए क्या है म्यामियो? हाँ उनमें से हैश लग रहा है उनमें धोनी होती। आप कहाँ थे इस दिन? सर मैं ये किताब सर वन शॉट सर इसके लॉन्च पे गया था पैडी सर के साथ। और मैंने वीडियो भी खींचा है सर ये उनकी स्पीच भी है ये देखिए सर।
आपकी तार काट दिया मुख्तार साहब, सर्टिफिकेट नकली है। एविडेंस सर, सर ये पर मुझे मेरा फोन है सर, एविडेंस। महादशा का उपाय है, देखो सर एविडेंस। नहीं, इसकी खुशबू अच्छी तुम्हें खा ले जाना, टीका लगाओ। भगत सिंह की सिम ली है, लोकल नंबर है, लेकिन मुझे इसकी लोकेशन ट्रेस करनी है। मुझे पता लगा नहीं सिम कार्ड कब और कहां यूज किया गया है। ओके सर। अरे वो भगत सिंह की कुंडली मांगी थी मैंने तेरे से। हाँ सर। सर ट्रेस हो गया है, नेपाल पाटन का लोकेशन है। नेपाल अथॉरिटी को इन्फॉर्म करो, दिस मैन नीड्स टू बी अरेस्टेड ऑन साइट। ओके सर। मैम मेन अक्यूज भगत सिंह ने सुसाइड कर ली। यस मैम। तो उसे जिंदा करो, कब्रों से खोद के निकालो, जो भी करो, मेरे को उसका कन्फेशन स्टेटमेंट चाहिए। मैम आई फील अपनी फीलिंग्स के एंगल्स की ना बत्ती बना के ना अपने तुम में डाल ले, समझा? तेरे प्यो ने यहां लंगर नहीं खोला। ओगर नाम ग्लास तेरा प्यो चक्केगा है? मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए गवर्नमेंट तुम्हें सेकती है ना, तेरा छित्र लाने तेरे चुतड़ा पे चुके नहीं है ना, एक बार समझा करो, बार बार ना करा पाए। हां जी क्या कह रही थी मैं, मेरे को स्टेटमेंट चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले। आ गई अक्कल में बात? Yes, ma'am. Why are you dragging PPFPL into this? Because they do groundwater contamination. The region that we are in today is now the cancer belt of our country. Reverse boring एक खतरनाक तरीका है chemical waste को dispose of करने का। PPFPL जैसी factories में waste treatment plant नहीं है, पर एक आसान तरीका है, illegally सही, reverse boring। हजारों गैलन जहर या केमिकल वेस्ट एक पाइप से जमीन के बहुत अंदर डाल दिया जाता है। आप सोचिए इतना केमिकल जमीन के अंदर फैल जाता है कि यहाँ का पानी, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की फसलों में भी जहर घुला होता है। एंड दैट इज केमिकल कंटामिनेशन। आप खुद जाके देख सकते हैं, वहां पे बहुत सारे हैंडपंप्स को रेड कलर किया गया है। तो और जब मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा था, मैंने खुद देखा है कि हर घर में एक कैंसर पेशेंट है। आप कहाँ थे इस दिन? सर ये किताब सर वन शॉट सर इसके लॉन्च पे गया था फ्राइडे संडे सर, मैंने वीडियो भी खींचा है सर उनकी स्पीच है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी लेकिन के बुनियाद मिलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तुम्हारे सीने में सही, कहीं भी आग। शर्त ये थी लेकिन के बुनियाद मिलनी चाहिए, बुनियाद मिलनी चाहिए, बुनियाद हिलनी चाहिए। 5, 4, 3, 2, 1
सिग्नल पकड़ रहा, क्लीन रिकॉर्ड है। इसी तरह था ना कुछ डायरी में कोड था क्या था, मेरे अंदर जो आग है वो तुम्हारे अंदर भी होनी चाहिए, वो जलनी चाहिए ऐसे ऐसे। चाहे जहां भी हो आग जलनी चाहिए, जहां भी हो आग जलनी चाहिए। दुश्मन की फसल है। मैंने कहा ना कि गोलियों को झेलने और चलाने के बीच में मुझे शायरी का भी शौक है। भगत सिंह को कैसे जानते हो? इसकी लो आई एम फोटो। और ये ऑपरेशन के लिए पैसे तो काफी लगे होंगे, कहां से आ रहे पैसे? इट्स सेफ बॉन्ड। तुम्हारी बीवी है? जी है। गर्लफ्रेंड? नहीं। तभी बिना एविडेंस के इतने सवाल पूछ रहे हो। बच्चे?
एक बेटा है। बात होती रहती है उससे? मैं बस परसों ही बात हुई थी, वो पटना में है, मैं यहाँ हूँ, उसके फोन पे बात होती है। अगली बार जब बात हो तो पूछना उससे कि उसे सपने में लाशें नहीं दिखाई देती, कान में आवाजें तो नहीं सुनाई देती। ब्लड टेस्ट करवाया तुमने उसका? आपकी बेटी का नाम रिया है ना? कहाँ है वो? तुमने अपने बेटे के नाखून देखे हैं? पीले तो नहीं पड़ रहे? रिया कहाँ है? उसके होठों का रंग देखा है, नीला होता जा रहा है क्या? भगत सिंह को क्यों चला था? रात को चिल्ला चिल्ला के उठता है क्या? हांफते हुए सपने में लाशें दिखाई देती हैं उसे, दलदल में दस्ती हुई। किस दलदल की बात कर रहे हैं आप? जो सवाल पूछ रहा हूं सिर्फ उसी का जवाब दीजिए। इस दलदल की ये शायद आप भूल गए थे पिछले। क्या करूं, मेरी नौकरी कुछ ऐसी है। अगली बार आऊंगा तो एक सिंगल बॉल रखिएगा। आई लाइक सिंगल बॉल्स, आई नो यू कैन अफोर्ड इट। सर, हम सीन ऑफ क्राइम से आ रहे हैं, हमें यहाँ बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी दिख रहा है। सर, रिवर्स बोरिंग, केमिकल्स, फैक्ट्री में ब्लास्ट, ये वीट बॉल ऑफ इंडिया है सर, जो कैंसर की चपेट में आ गया। मतलब इस 30 दिन की पोस्टिंग में हमारा पूरा का पूरा थॉट बदल के रख दिया। 30 दिन में तेरे थॉट बदल गए? बहुत थॉट आ रहे हैं तुझे। 3 महीना होने दे, बत्ती की तरह फ्यूज हो जाएंगे तेरे थॉट, समझा? सॉरी सर, ये बकवास के थॉट्स मुझे मत सुनाना, इडियट। आई एम सो सॉरी। गेट आउट। हेलो मास्टर, क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ पापा, लेकिन तुम्हारा टॉनिक पीने का टाइम हो गया ना? हाँ। पापा, अजय ने क्या मारा है ना सिंगम में गुंडों को? तुमने कभी मारा है ऐसे गुंडों को? इस तरह के पुलिस वाले से फिल्मों में होते हैं, जो उड़ उड़ के लात मारते हैं। और तुम भी यार इस तरह की फिल्में मत देखा करो, जस्ट टेक्स यू अवे फ्रॉम रियलिटी। अच्छा सुनो, तुमको सपने अपने आते हैं? हाँ, आते हैं ना, कि तुम सिंगम बन गए हो और गुंडों को मार रहे हो। गुड नाइट। गुड नाइट पापा। सिंगम सर, ये जगह जो है ना, पैडी सर का मंदिर है, जो उनके ईमान और सच्चाई की गवाही देता है। हाँ, लगता है फिल्में बहुत देखते हैं हम। जी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो गजाला में पाया जाता हूँ। ब्लड रिपोर्ट्स, ऑल टकाटक, लाइफ फाउंटेन लैब, चंडीगढ़ की लैब से टेस्टेड है। अपने पैरी साहब तो हर 6 महीने में ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। शहर में चुनका प्यार देख कर ना आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू आते हैं, डर लगता है। तो लास्ट पिक्चर कौन सी देखी जिसमें आपको बड़ा मजा आया? सिंगम। सिंगम पिक्चर देखी? खुद आपके पास आई थी सारे फैक्ट्स लेके। खोया मैंने अनिरुद्ध को है और आपने मेरे पीछे लोक लगा दिए। कम ऑन, यू नो, अच्छा हुआ जो ब्लास्ट हुआ। मेरा बस चलता ना तो मैं पैडी के बेडरूम में ब्लास्ट करवाती, उसके चितड़े उड़ते देखती मैं। डरना चाहिए तुमको, मेरे सम स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स यू मेकिंग। लगता है आपने वो रिसर्च नहीं पढ़ी। पढ़ी होती ना तो डरते आप, सब क्लियर हो जाता, किसका प्लान है, कौन इस प्लान का विक्टिम। आई मीन एवरीथिंग वुड हैव बीन क्लियर। हाउ ब्रेव आर यू? वेट, अनिल की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। ड्रेवर
सी क्लासिफाइड रिपोर्ट मिली थी। अनिरुद्ध के हाथ रियल ब्लड सैंपल्स डाल गए थे जिसमें इट वाज प्रूवन दैट देयर वर ट्रेसेस ऑफ कैंसर टू बी फाउंड। ये जो मदर टेरेसा बनके जो पीपीएफपीएल ब्लड डोनेशन कैंप चलाते हैं ना, इट्स अ बिग स्कैम। वेलकम टू रेडियो एफएम। आपको पता है आज सेफ वाटर डे है, पर साडे शहर का पानी पीना इज एन इनविटेशन टू डेथ। शायद चूहे मारन वाली दवाई तो तुसी बचोगे, पर इत्थों दा पानी पीन तो बिल्कुल भी नहीं। सो बी सेफ, बी अलर्ट एंड थिंक बिफोर यू ड्रिंक। चाय कौन से पानी से बनाया तूने? नल के पानी से। दुकान में लगा आदमी, यहाँ लगा। आज के बाद तुम लोग चाय ना मेरे सामने बनाओगे, समझे? और ये पानी है, पकड़। अगर यहाँ का पानी इस्तेमाल किया ना साले अंदर कर दूंगा तेरे को, समझा? सिंगल मोड आपकी फरमाइश थी। थैंक्स का तो मिल गया, लेकिन सवाल का जवाब नहीं मिला। रिया, डेथ सर्टिफिकेट क्या लगा आपको? ईपीएफपीएल उड़ाकर रिया के आत्मा को मोक्ष मिल जाएगा? बदला, इज दैट व्हाट इट इज? यहां का पानी ही नहीं, खून भी पीपीएफपीएल की जागीर है। ये सारा शहर सिर्फ कागज पे जिंदा है, कागज के बाहर सबकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। लाइफ फाउंटेन लैब, पैडी साहब उसके सबसे बड़े फंडर है। वहां के तो डीएनए सैंपल्स तक मेड टू ऑर्डर होते हैं। इसलिए आपने रिया के बालों की हेयर सैंपलिंग करवाई? डीसीएम, डीएमओ चाहते हो ना? तुलसीराम हॉस्पिटल बीकानेर में भगत सिंह की बेवा से कन्फेशनल स्टेटमेंट मिल जाएगा। शहीद होना चाहते हो? भगत सिंह ने सुसाइड कर लिया। I'm sorry. Sorry किस लिए? शिवा, बीपीएफपीएल के बारे में भगत ने किया था, मेरे इलाज के लिए किया था, इसके लिए किया था। बयान देने को तैयार हूं मैं। सानू एक चिट्ठी आई सी, लिखण वाले ने मेरे भगत के बारे में सारा कुछ पता था, उनकी कमजोरियां, मजबूरियां, सर के कर्जे कितने थे, सारा कुछ। कैसे पता था उसे ये सब कुछ? मैं नहीं जानती, बस मैं इतना जानती थी कि साडे अकाउंट च पैसे आने वाले सी। बच्चे के भविष्य के लिए बड़ा छोटा सा सौदा था, काट दिया मेरे भगत ने। साइड के बदले कुछ मांग सकती हूँ? आप वापस ट्रेन से ही जाइएगा। ट्रेन नंबर 54701। जी सर।
सिगरेट पान पियो, मुझे कैंसर है, आपको भी हो जाएगा। देखो कितनी बार बोला है, अकेले मत जा, रुक, धीरे। इसको हड्डी वाला कैंसर है ना, इसलिए इसकी पकड़ कमजोर है। आप इधर वाले हो या उधर वाले? मरीज हो या इंश्योरेंस वाले? कैंसर ट्रेंड है ना, इसलिए पूछो। माल तो ठीक है, मतलब इमोनी है। अब वापस ट्रेन में बैठना चाहिए। ट्रेन नंबर 54701। से आसान थी क्योंकि कॉम्बैट अपनों से ही था। साल भर की प्लानिंग, 30 सेकंड का कॉम्बैट। घुन ही गेहूं को मिटा सकता है। कैंसर ट्रेन पे पहली बार देखा था उस जुगाड़ू पैंथर संडे सिंह को। ईपीएफपीएल में ब्लड रिपोर्ट्स की दलाली करता था। दुनिया का सबसे बड़ा दान, रक्तदान, रक्तदान, रक्तदान। आप सबका अपना रक्तदान अभियान। नकली सर्टिफिकेट्स बनाने में माहिर रिकी। ईपीएफपीएल की नस नस से वापस था।
पैसा उन तक पहुंच जाता था और मेरे मैसेजेस भगत सिंह तक। कोडिंग में एक्सपर्टीज थी इसलिए शायरी में कोड्स पहुंचते थे। तीनों की अपनी मजबूरियां और ख्वाहिशें थी। भगत सिंह की बीवी को कैंसर था। संडे मिडलमैन, उसका एक ही मकसद था हर हाल में पैसा बनाना। और रिकी का सपना था कनाडा जाना, उसे भी कैंसर था। इन तीनों को ब्लास्ट के बाद मैंने यहां से भेज दिया। इस सब में आज भी शहीद हुआ भगत सिंह। सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, यही किया मैंने। ऐसा धमाका कि उनके कान के पर्दे पक गए। उस दिन उसके साथ मैं भी जुड़ गया। बस राख होने से पहले उन्हें राख करना चाहता था। Good is a scam. सिस्टम का है, स्कैम का है, या जिंदगी का है, जो भी है बस यही है। मेरा ट्रिगर तो बस ऑर्डर पे चलता है। मैं कोई सुपरमैन तो हूं जो सिस्टम के ऊपर चलाता हूं। और मैं कमजोर भी नहीं हूं कि सिस्टम से कुछ ला जाऊं। फिजिक्स में पढ़ा था, बैलेंस डिफाइंस इक्विलिब्रियम। सर वही कर रहा हूं, बैलेंसिंग। तुम जो सोच रहे हो ठीक सोच रहे हो।
तुझसे आँख में चोरी सतरंगी रंगों की हो तेरी रंगोली पैरों से लिपटे रहे शबनम के धागे रहना ढलेगा कभी सुबह ना जागे टारगेट में नहीं था ना? नहीं मैं भूल गई थी आपके टारगेट में वो था ना वो 200 मीटर ढाई मिनट में 300 मीटर पांच मिनट में जॉगिंग ठंडे पानी में रोज नहाना एयरफोर्स पायलट मुझे पता था इसीलिए मैंने बेटी से ज्यादा बेटा बनने की कोशिश की एज गुड एज आई कुड दिस बीइंग गुड इट्स अ स्कैम ये सब इट्स अ स्कैम इट्स ऑल अ स्कैम ये जो ये बहते पानी की आवाज आ रही है ना मैं नहीं सुन पाऊंगी कभी ये हवा नहीं महसूस कर पाऊंगी ये माउंटेन्स नहीं देख पाऊंगी कभी की खबर आई है मनसा रोड से पुलिस का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि यह आत्महत्या है या कोई हादसा पर परमजीत वालिया को उनके घर में जला और मृत पाया गया है सर यहाँ से अगर कोई नहीं सर ठीक है ना जगह ब्लॉक कर दो बता दो सबको
सुनी तुमने ये आवाज? सुनो क्या? सुनो दिन रात पीछा करते हैं मेरा, सोने नहीं देती, कानों में गूंजती रहती है, कानों से सांसों में, सांसों से रगों में, रगों से खून में। मुझे लगा कॉकटेल ऑफ केमिकल्स, जहर का जंगल है ये, जहाँ सारे अजगर कुंडी मार के बैठे हैं। किसका जहर है, कौन उगल रहा है, किसको डस रहा है, किसी को नहीं पता। एंड यू नो द ऑफिशियल टर्म फॉर दिस केमिकल चुटस्पा इज कॉकटेल ऑफ केमिकल्स। अब्दुल मैडम को ना वो अजीत बीवी रोड वाला थाना है ना, वहां छोड़ा। थाना? वाई थाना? जी तुमको क्या पसंद आएगा, चीज पॉपकॉर्न या बटर पॉपकॉर्न? आई थिंक बटर पॉपकॉर्न। व्हाट? बटर पॉपकॉर्न टाइप्स लगता पॉपकॉर्न खाओगे? पॉपकॉर्न के बिना फिल्म का मजा नहीं आता। आप यहाँ? अरे केस के लिए डेड बॉडी की जरूरत थी, तो जो आपकी बॉडी इस्तेमाल कर ले। क्या 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 किया मैंने? अटेम्प्ट टू मर्डर। माया सिंह है ना, उसने आपके नाम पे
एफआईआर दर्ज कराया और ये अनिरुद्ध की पोस्टमार्टम रिपोर्ट असली वाली। सबको तो आपने डीएन कर दिया, एक गलती कर दी, माया को छोड़ दिया, हड़बड़ हो गई। क्या चाहते हो? डैडी के किचन में जो पक रहा है ना उसकी रेसिपी चाहिए, रिएक्टर फॉर्मूला। हाँ चलता हूँ। साला कुत्ता गजाला पहुंच गया। कौन? अर्जुन मिश्रा। उसके पास सारे सबूत है बॉस जी, वो सब कुछ जानता है, अनुरोध की असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी। वो बोल रहा था कि मेरा नाम हर जगह है बॉस जी, आप तो बोले थे कि वो सीएम का बंदा है। लेकिन ये तो कुछ और ही है, वो रिएक्टर के बारे में पूछ रहा था। तुमने बताया था? नहीं, पर वो मेरे घर आ जाएगा बॉस जी, आप जल्दी कुछ कीजिए बॉस जी, मैं इसे ज्यादा देर तक संभाल नहीं सकता। मतलब अपने घर जाओ और आराम। ओके ओके बॉस जी। आओ जी।
शिव जी की फोटो। जी जी। जय भोलेनाथ। आज आपके ऑनर में आलू चोखा बनाया है जी। आलू जो है ना हर सब्जी में डल जाता, पर फाइव स्टार होटल में जाओ तो कोई ऑर्डर ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो आलू होता है ना जी, बड़ा बेचारा होता है। सबके साथ तो हीरो होता है, नहीं तो जीरो। पर अब जी तुम्हारे घर क्यों आया था? अच्छे खासे सोने सुरखे हो, बाल बच्चेदार हो, क्यों पंगे ले रहे हो? मैं तो उसको अरेस्ट करने ही वाला था। तुम जो नौकरी वाले होते हो ना, सॉफ्ट हो जाते हो, पप्पी इधर उधर जाकर सूंघी जाते हो। मखमल के जूते पीएमओ ऑफिस के बाहर तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं, और तुम जो किचड़ में पैर डाल के बैठे हो। देखो जी अर्जुन मिश्रा जी, पैडी जो है ना, वो हमारा फंड रेजर है, ठीक है। डीसीएमओ चाहे रिवर्स बोरिंग हो, ये ऊन के गोले हैं। इनको जितना उधेड़ोगे उतना फंसते चले जाओगे। आलू भाई, आलू तो नहीं बनना तुमने, साथ रहोगे तो हीरो रहोगे। ऐसे सब कुछ ना मेरी परमिशन नाल होंदा। अगले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस है, परमजीत ने तो सुसाइड कर लिया। एक मेंटली अनस्टेबल की पर्ची डाल दो, और ये ब्रीफ ना मेरे टेबल पे छेती से छेती दे दो। नहीं तो क्या होगा अर्जुन मिश्रा जी, कि तुम्हारी हो जानी है ट्रांसफर नक्सल एरिया में। ऐसा सुंदर सा फ्रेम में आपकी स्माइलिंग सी फोटो आपके वोटी के पास पहुंचे होनी हार चढ़ाने को। आगे तुम समझदार हो। स्वीडिश पाओगे? नहीं जी, थैंक यू। खा लो, पीएमओ ऑफिस की मिठाई खाने की आदत डालो। हाँ, गिफ्ट लाया तो रख तो दो। मुंह तक ही जाना खुला। और उन्हीं की प्यास बुझाएगा, आपके लालच की नहीं।
आपने स्टेट को क्या समझा? अपने घर की जगीर गंद फैला के रखा हुआ है। हर एक क्रांति शुरू हुई है जी इस जमीन पे, रिवर्स बोरिंग करके आप तो खोखला कर देंगे जमीन को। मेरी जिम्मेदारी है ये जनता और उनके हक पे कभी कैंसर की ट्रेन नहीं चलने देनी जी। मैंने आप सबको वादा किया था कि इन्वेस्टिगेशन होएगी जी, इन्वेस्टिगेशन हो रही है और मैं बड़ी शॉक्ड हूं। फैक्ट्री का ब्लास्ट भगत सिंह ने कराया जी, और उसके साथी डिक्की बुल्लर और संडे सिंह जो आपकी फैक्ट्री की वजह से मरे हैं, बदला लिया उन्होंने जी। छाती फट रही है सुट के कि मेरी आंखों के सामने ये सब हो गया। मैं अपने प्यो की ती नहीं हूं जी, अगर मैंने क्रांति ना लाई तो, अगर ये बलिदान जाया जाने दिया तो, इसलिए मैं इस्तीफा दे रही। पर मैं कितने जाना नहीं, यहां रह के सेवा करूंगी सबकी जी। बकवास करिए, झूठ बोल रही है। मैडम आपके रिजर्वेशन देने का कारण क्या है? मैडम मैडम क्या ही शहर रिवर्स बोरिंग की जगह राजनीति की पहला रिवर्स बोरिंग इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। आपके पास कोई प्रूफ है? एविडेंस वो रहा आपके पीछे। पाइपलाइन में चलेगा सर। मंत्रियों से क्या है ये? सरकार सर जानते किससे बात कर रहे तुम लोग? आई ओन द स्टेट, ये सीएम है ना, मेरे पेरोल पे चलते और अपने आंदोलन ना बाहर जाके कीजिए, ठीक है? तुमको गायब कर रहे, मुझे 2 मिनट लगेगा, समझे? बैठ हां सर। ले आओ सर को। ओए चल चल सर, तो क्या क्या देता साला। देख क्या रहा, सिंगम नहीं देखी थी क्या? सर अब तो देखना पड़ेगा। विवादों का घेर है, रिवर्स बोरिंग करके जहरीले केमिकल्स को जमीन में डालने से पूरे शहर में कैंसर फैल गया, जिसके चलते उन्हें मुआवजे की राशि देनी पड़ी। 15,000 करोड़ के वो कर्जदार है। बीपीएफपीएल ने ना केवल लोगों की जान ली है पर उनके परिवार वालों को भी जिंदा होते हुए मार डाला है। उनके सारे ऑफिसेस को जब्त किया जा रहा है। इस पूरे विवाद में बीपीएफपीएल एक केमिकल माफिया के रूप में सामने आ रहा है। बेटा जो है लाइक इज प्राउड ऑफ मी, ये पहली बार डिमोशन हुआ है मेरा और वो मुझे हीरो समझते हैं। ओह नक्सल, यस नक्सल।
क्या नाम सोचा पासपोर्ट पे? जॉन एफ कैनेडी, जॉन लेनन, जॉन एब्राहम, नो जॉन्स जी गिवेरा। सूट करता है आपको, हरकतें भी ऐसी आपकी। गुड, चीयर्स चीयर्स चीयर्स। Stop this poison from going out and affecting people. Article 21, the right to life, includes the right to have healthy food. The right to life means the right to food. The right to food means not toxic food, it means healthy food. Healthy food means no poison in the food. Therefore, who's putting in the poison? The corporations, the government, everybody is putting in the poison. Therefore, stop it. As simple.